माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को स्टैंडर्ड टू का आपको मैं ईवीएस बताने जा रहा हूं। ईवीएस में आप लोग का चैप्टर है 13 और उसका हेडिंग है हाउ वी ट्रेवल, हम लोग कैसे यात्रा करें। हाउ वी ट्रेवल चैप्टर्स बतलाता है कि हम लोग को यात्रा यानी एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे जाएं। इस चैप्टर का यही मेन ध्येय है। इस चैप्टर्स में आपको हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहीं आने जाने के लिए हमारे पास 3 तरह के साधन हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड के माध्यम से आ जा सकते हैं, पानी के माध्यम से आ जा सकते हैं, पानी के थ्रू आ जा सकते हैं, इसके बाद हम लोग आकाश मार्ग से आ जा सकते हैं। ये 3 साधन हमारे पास वर्तमान में आपका मौजूद है। इन 3 साधनों का प्रयोग करते हुए हम कहीं आते और जाते हैं। इस तरह से आप लोग का लैंड पर, भूमि पर चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट्स है, वाहन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से खुलती है और एक शहर से दूसरे शहर पर जाते हुए पहुंचती है, तो इस तरह से लैंड ट्रांसपोर्ट जो स्थल पर चलने वाले वाहन हैं, उसमें ट्रेन है, बस है, कार है, टंगा है, बैलगाड़ी है और कुछ ऐसे भी ट्रांसपोर्ट है जो मनुष्य खींचता है, जानवर खींचते हैं, घोड़ा गाड़ी टंगा होता है। इस तरह से ये सारे लैंड ट्रांसपोर्ट्स हैं यानी जमीन पर चलने वाले, जैसा कि आप लोग ने प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने सीखा। आज मैं इस चैप्टर का आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं मैं उनका आंसर बताने जा रहा हूं। चैप्टर 13 में आपके जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वह सी ग्रुप में दिया है, सी सेक्शन में दिया हुआ है। सी सेक्शंस में आपके पास प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का आपको मैं उत्तर, उसको क्या क्वेश्चन कह रहा है, कैसे हम आंसर लिखेंगे, ये बताते हुए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि आपका इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि हाउ पीपुल ट्रेवल इन द एशियंट टाइम, जब हमारे पास साधन बस नहीं थे, ट्रक नहीं थे, रेलगाड़ी नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे, एरोप्लेन नहीं थे, शिप्स नहीं थे, बोट्स नहीं थे, तब उस समय के लोग कैसे यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते थे, क्योंकि उन्हें भोजन संग्रह करने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए जाना तो पड़ता ही होगा, तो कैसे जाते थे वे लोग पैदल, जहां जाना होता था ऑन फुट, वॉक करके, टहल करके अपने मित्रों के पास जाते थे या भोजन संग्रह करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। प्राचीन काल में यही था, जब वाहन का, चक्का का, व्हील का प्रयोग नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए प्रश्न का, क्वेश्चन इज हाउ पीपुल ट्रेवल इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में लोग कैसे यात्रा करते थे। इसका आंसर हुआ आपका पीपुल हैड टू वॉक टू वेयर एवर दे हैड टू गो इन द एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में लोग पैदल चलकर एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, यही इसका राइट आंसर हुआ। अब मैं आपको सामने सेकंड क्वेश्चन रख रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन बोलता आपका है नेम 3 डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपके 3 तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, वो 3 तरह के
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को आपको लिखना है। जैसे आप भूमि मार्ग से आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, पानी मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, और आकाश मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास आने जाने का तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स है। वे तीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स का नाम लिखना है। तो आपका फिर मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। क्वेश्चन टू है, नेम थ्री डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तीन डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, इसके आंसर होंगे कि थ्री डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर लैंड ट्रांसपोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स। ये तीन तरह के हमारे पास साधन अवेलेबल हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट्स। दीज आर थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है, नेम टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स। क्वेश्चन करता है आपका, थर्ड बताता है कि लैंड ट्रांसपोर्ट्स के दो एग्जाम्पल देना है और ये बताना है कि लैंड ट्रांसपोर्ट में सबसे तेज कौन चलता है, सबसे तेज कौन ट्रांसपोर्ट्स चलता है, इसका हमको उत्तर बनाना है। समझ गए? सबसे पहला दो लैंड ट्रांसपोर्ट्स का एग्जाम्पल लिखेंगे, नाम लिखेंगे, इसके बाद बताना है कि ये जो स्थल मार्ग से चलने वाला सबसे तेज कौन ट्रांसपोर्ट्स है, सबसे तेज कौन ट्रांसपोर्ट्स है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, ट्रेन एंड बस आर टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ट्रेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स। ट्रेन क्या है? सबसे तेज चलने वाला मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स है। लैंड ट्रांसपोर्ट्स में सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन है? ट्रेन है। सो इसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे, ट्रेन एंड बस आर टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट्स। ट्रेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द लैंड ट्रांसपोर्ट। नाउ अब मैं आपको चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। फोर क्वेश्चंस आपके बता रहे हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट्स का क्या उपयोग है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, वाटर ट्रांसपोर्ट्स को हम लोग क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए नदी पार करना हो, समुद्र पार करना हो, तो हम कौन ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, हम तो बस से नहीं जा सकते हैं। तो उस केस में हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं। नदी को पार करना हो, समुद्र को पार करना हो, तो हम लोग कौन साधन का यूज करते हैं, हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए उपयोगी है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इसका आंसर होगा, व्हेन वी वांट टू क्रॉस रिवर और सी, देन वी गो इन बोट्स, स्टीमर और शिप्स। सो वाटर ट्रांसपोर्ट इज आल्सो इंपॉर्टेंस टू अस। ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है, उपयोगी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस है और उपयोगी है। इस तरह से हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट्स का क्वेश्चन हो गया। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड एयर ट्रांसपोर्ट्स, हमें एयर ट्रांसपोर्ट की क्या आवश्यकता है। तो एयर ट्रांसपोर्ट सबसे पहले टाइम सेविंग करता है, टाइम को सेव करता है, समय बचाता है। दूसरा है कि हम लोग ऐसी जगह पर
जहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट साधन अवेलेबल नहीं है, आपका बस लैंड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, बस के माध्यम से हम नहीं जा सकते हैं, बस के थ्रू नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में हम लोग को क्या अब हम वहां नहीं जाएं? नहीं, हम जाएंगे। तो इसलिए हमारा पास साधन अवेलेबल है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर अगर हमें पहाड़ पर जाना हो, जंगलों में जाना हो, जहां पर सड़क मार्ग नहीं बने हैं, वहां पर जाना प्रॉब्लम है, तो वहां पर हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से चले जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहाड़ पर पहाड़ों पर, पर्वतों पर भी हम जा सकते हैं। आप देखते होंगे कि कभी कभी आपका जो एयरफोर्स आपके पहाड़ों पर बने होते हैं, तो वहां पर हम लोग जहां पर बस नहीं जा सकती है, ट्रेन नहीं जा सकती है, तो वहां पर हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। इसलिए एयर ट्रांसपोर्ट हमारे लिए जरूरत बन गई है, क्योंकि बिना एयर ट्रांसपोर्ट के वहां जाना संभव नहीं है। तो दो कारण, जैसा कि आप लोग जाने कि एयर ट्रांसपोर्ट्स क्यों हमारे लिए जरूरी है। पहला ये कि वह हमारे सबसे पहले समय बचाता है, समय को सेव करता है। दूसरा, हम ऐसी जगह पर जो लैंड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जा सकते हैं, वैसे जगहों पर हम एयर ट्रांसपोर्ट के द्वारा आसानी से पहुंच जाते हैं। इसलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी नीड एयर ट्रांसपोर्ट्स। इसका आंसर होगा, वी नीड एयर ट्रांसपोर्ट टू सेव टाइम। वी नीड एयर ट्रांसपोर्ट टू सेव टाइम और टू रीच द प्लेसेस वेयर थ्रू लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट कांट बी रीच्ड। यानी वहां जो एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट जहां नहीं पहुंच सकते हैं, वैसे जगहों पर हम एयर ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं और वहां पर हम आसानी से पहुंच जाते हैं। थैंक यू माय स्टूडेंट्स। मैं आपको चैप्टर हाउ वी ट्रेवल चैप्टर का क्वेश्चन का सारा आंसर आपको मैं करवा दिया। इसे आप अपना नोट कॉपी पर याद लिख लेंगे और इन्हें आप याद कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में आप अपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देंगे, मैं उसे दूर करने का भरपूर कोशिश करूंगा और आपको दूर कर दूंगा। अब मोर देन आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा अगले चैप्टर के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।